सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जनाब सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कहना चाहूँगा सभी लोगों को, कुछ दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से और टीचर अवेलेबल ना होने की वजह से आपकी आंसर की अपलोड नहीं कर सका, तो इसलिए आप सभी से एक बार क्षमा मांगना चाहूँगा। माफ़ कर दें, आपका अपना भाई हूँ। ठीक है, अब आपके आंसर की रेगुलर आती रहेगी। 301 से लेकर 304 तक की आंसर की ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख लें। अच्छा एक चीज़ और है, कई बच्चे कमेंट करते हैं सर आपने वीडियो नहीं डाली, जबकि मैं वीडियो डाल चुका होता हूँ। तो इसका इलाज क्या है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, तो अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर दो, क्योंकि होता क्या मैं वीडियो डाल देता हूँ और आप आंसर करते रहते हो इंस्टाग्राम पे कि सर आंसर की डालो, तो आप लोग बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी काम होता है कि वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ। चलिए अब देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग 305 वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग के क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन कोड है 305, करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर टू करेक्ट आंसर होगा ए, और ये गाइस आपको पता है कि सबसे इजी सब्जेक्ट होता है जिसके क्वेश्चन गलत, मतलब इस सब्जेक्ट में तो फेल होता ही नहीं है कोई बच्चा, बट पता नहीं कैसे बच्चे फेल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर होगा सी, ये थोड़ा इस बच्चे ने गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर एट करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए तो ये थोड़ा भी गलत हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर नाइन करेक्ट आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर टेन का करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर इलेवन का करेक्ट आंसर होगा बी, रिफ्लेक्स वाल्व। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की बात करते हैं, करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्टीन का करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर एटीन करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सेप्टिक टैंक करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा डी, स्क्रैपर। ये मैंने चेक कर लिया अच्छे से, तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ए, प्रीवी पिट। तो आई होप आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और अच्छे से सभी लोग पास भी हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी किसी को अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन आपका रॉन्ग है या सही है, और सब्र थोड़ा रखा कीजिए गाइस। अभी देखिए मैंने कंटिन्यूसली आज चार वीडियो आपके लिए बना दिया, 302 3 4 5 चारों के चारों वीडियो मैंने आज ही अपलोड की है। तो अब हो सकता है कि एक दो दिन का डिले हो जाए कि 306 का जो आपका पेपर है वो 307 का वो है वो एक दो दिन लेट आएगा, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। वीडियो आपको मिल जाएगी डेफिनेटली, उसकी चिंता मत कीजिएगा। आप वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश मैं करूँगा, बट थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और जो इलेक्ट्रिकल ईएल या फिर मैकेनिकल के बच्चे हैं उनके लिए एक खास बात है कि आप लोगों में से किसी ने भी अभी तक मुझे पेपर नहीं भेजा है, तो आप लोग पेपर भेजिए। एक बच्चे ने पेपर भेजा भी तो आधा पेपर भेजा, तो उस आधे पेपर का मैं क्या करूँगा, 15 क्वेश्चन भेजे तो 15 क्वेश्चन अपलोड नहीं कर सकता। तो आप लोग पूरा पेपर अपलोड सॉल्व कीजिए, मेरे पास भेजिए, तब मैं उसे सॉल्व करके आप लिए अपलोड करूँगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।